हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। दोस्तों, अगर आप एक बजीज पैरट लवर हैं, बजीज पैरट को पालते हैं, बजीज पैरट आपकी पहली पसंद है और अब आप चाह रहे हैं कि रेम्बो बजीज लेना, रेम्बो बजीज की तलाश है आपको, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगी। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं रेम्बो बजीज की पहचान बताऊँगा कि कैसे हमें रेम्बो बजीज की पहचान करनी है और साथ में दोस्तों होने वाले धोखे से भी बचना है। जी दोस्तों, धोखा बिल्कुल दोस्तों, इस बर्ड्स लाइन में भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो धोखाधड़ी करते हैं, गलत बर्ड्स हमारे नए शौकीन भाइयों को दे देते हैं और एक मोटी रकम भी उनसे वसूल लेते हैं। तो हमें इन सब से कैसे बचना है, क्या क्या बर्ड्स में देखना है, तो धोखे से भी बचना है हमको। क्योंकि रेम्बो बजीज के नाम पर ऐसे बर्ड्स दे दिए जाते हैं जो कि वो रेम्बो बजीज नहीं होते और उनसे एक मोटी रकम वसूल ली जाती है। जी दोस्तों, मोटी रकम मैं इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि नॉर्मली जो हमारे नॉर्मल बजीज होते हैं उनकी प्राइस 400 से 600 तक होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 700 होगी। अलग अलग जगहों पर इसकी अलग अलग प्राइस होती है। तो दोस्तों, मैंने दो वीडियो पीछे आप जाएंगे तो दो वीडियो आपको मेरे चैनल पे अभी लेटेस्ट मिलेगी, क्लियर विंग बजीज और ऑपलाइन बजीज। ये दोनों बजीज मैंने आपको बताए थे कि ऑपलाइन बजीज की क्या पहचान है, क्लियर विंग बजीज की क्या पहचान है, और ये दोनों ही जो है ये नॉर्मल बजीज में ही आते हैं और इनकी भी प्राइस दोस्तों वही होती है जो नॉर्मल बजीज की होती है। ऐसा नहीं है कि इनकी कोई बहुत बड़ी प्राइस होती है, इनकी भी 400 से 600 700 तक इनकी प्राइस होती है। बाकी ऑपलाइन और क्लियर विंग ये बजीज में अगर हाई म्यूटेशन पे जाएंगे तो उसमें भी ये सब हमें देखने को मिलते हैं, क्लियर विंग और ऑपलाइन बजीज। अभी हम बात कर रहे हैं रेम्बो बजीज, तो रेम्बो बजीज की प्राइस दोस्तों, प्राइस का मुझे नहीं पता है तो आप प्लीज़ प्राइस के बारे में मुझसे नहीं पूछिएगा, क्योंकि अलग अलग जगहों पर इसकी अलग अलग प्राइस हो सकती है और एक ब्रीडर की मेहनत होती है। तो एक ब्रीडर क्या प्राइस लगाता है वो उसके ऊपर है। जिसके पास भी रेम्बो बजीज हैं तो मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। हाँ, इतना पता है कि नॉर्मल बजीज से थोड़ी ज़्यादा होती है, इतनी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे और बात करेंगे कि रेम्बो बजीज की पहचान क्या होती है और धोखे से कैसे बचना है। जी दोस्तों, मैं आपको वो बर्ड्स भी दिखाऊंगा जो कि रेम्बो बताकर आपको दे दिए जाते हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से बढ़ाते हैं वीडियो को आगे और स्क्रीन पर मैं कुछ वीडियो क्लिप चलाऊँगा और आपको वो बर्ड्स दिखाऊँगा जो कि रेम्बो बजीज बताकर आपको दे दिए जाते हैं और फिर रेम्बो बजीज की पहचान भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते, अभी आपको स्क्रीन पर जो बजीज पैरट नज़र आ रहा है इसको आप अच्छे से देख लें, ये ऑपलाइन बजीज है। ऑपलाइन बजीज येलो हेड में, येलो हेड ऑपलाइन बजीज है और इसके बैक के ऊपर आपको दो तीन कलर नज़र आ रहे होंगे, पर्पल भी है, येलोनेस भी है, ग्रीननेस भी है और ब्लैक धारियां भी आपको नज़र आ रही है। इसके चेस्ट के ऊपर देखेंगे तो वहाँ भी आपको पर्पल है नीचे से पूरा और ग्रीननेस भी आपको नज़र आ रही है। तो ये ऑपलाइन येलो हेडेड डबल फैक्टर में है दोस्तों, ये ऑपलाइन येलो हेडेड ये बजीज पैरट्स है और डबल फैक्टर है। तो इसको देखकर आपको धोखा नहीं खाना है कि ये रेम्बो बजीज है, ये रेम्बो बजीज नहीं है, ये ऑपलाइन येलो हेडेड है। ऑपलाइन बजीज की पहचान क्या होती है इसके ऊपर चैनल पे ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ऑपलाइन बजीज की क्या पहचान होती है। तो इस बजीज को अच्छे से देख लें आप, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये बजीज भी, ऑपलाइन येलो हेडेड। इसकी चेस्ट का कलर भी आप देखें बेहतरीन, एक ब्लू सीरीज का ये बजीज है, ब्लू सीरीज में बहुत सारे कलर होते हैं, स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, कोबाल्ट, वॉयलेट, पर्पल, ग्रे, माऊ ब्लैक भी होता है, माऊ जिसको हम लोग बोलते हैं। तो काफ़ी डिफरेंट कलर आपको ब्लू सीरीज़ में मिलेंगे। तो ये ब्लू सीरीज़ का ही है, ये ग्रीन नहीं है और ऑपलाइन येलो हेडेड है। अब मैं आपको एक और बजीज दिखाता हूँ तो उसे देखकर भी आप धोखा खा सकते हैं। दोस्तों, अभी आपको एक और बजीज नज़र आ रहा है, दो बजीज नज़र आ रहे हैं, तो आप जाली के पास जो बजीज बैठा है उसको देखिए, उसकी फेदर मार्किंग को देखिए, उसके हेड का कलर देखिए, येलो हेडेड बजीज है ये भी और क्लियर विंग बजीज है। दोस्तों, ये क्लियर विंग बजीज है। क्लियर विंग की बजीज की पहचान कैसे करते हैं आप नहीं जानते हैं तो इसके ऊपर भी वीडियो चैनल पे मौजूद है, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि क्लियर विंग बजीज किसे कहते हैं। तो आप इसका कलर भी देखिए, आप
और इसके पास जो ब्लू सीरीज का बजिश है उसका कलर भी देखिए दोनों ही बेहतरीन है। तो ऐसे बर्ड्स देखकर भी आप धोखा खा सकते हैं, आपको लगेगा ये रेमबो बजिश है और ये रेमबो बजिश नहीं है दोस्तों, ये है क्लियर विंग येलो हेडेड, ये क्लियर विंग येलो हेड बजिश है। तो इसका आप अच्छे से ख्याल रखिएगा, क्लियर विंग वाइट फेस में भी होते हैं, ऑफलाइन बजिश वाइट फेस येलो फेस में भी होते हैं और क्लियर विंग भी जो है वो येलो फेस और वाइट फेस में दोनों में ही होते हैं। तो उम्मीद है आप अभी तक अच्छे से समझ रहे होंगे। ये देखिए एक बार फिर से मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखा दूँ, येलो हेड है ये और नीचे का कलर देखेंगे तो हल्का ग्रेनेस है दोस्तों। तो ये क्लियर विंग बजिश है दोस्तों, ये रेमबो बजिश नहीं है, तो आपको धोखा नहीं खाना है। अब वो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि रेमबो बजिश की पहचान कैसे होती है, क्या क्या हमें देखना है जिससे कि धोखा ना हो हमारे साथ और हमें अच्छी क्वालिटी का रेमबो बजिश मिल सके। रेमबो बजिश की पहचान करने के लिए दोस्तों चार पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट, उन चारों पॉइंट का आपको ख्याल रखना है जिससे कि आप पहचान जाएंगे कि यही है रेमबो बजिश। तो उसमें है सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो होता है येलो हेडेड, जो भी रेमबो बजिश होगा उसका हेड येलो होगा, पहला पॉइंट है येलो हेडेड। दूसरा जो पॉइंट है वो होगा ऑपलाइन बजिश, जो रेमबो बजिश होगा वो ऑपलाइन बजिश होगा, पहला पॉइंट येलो हेडेड, दूसरा पॉइंट ऑपलाइन बजिश। तीसरा जो पॉइंट होगा वो है क्लियर विंग बजिश, जो भी रेमबो बजिश होगा वो क्लियर विंग होगा, ये है तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट जो है वो है दोस्तों ब्लू सीरीज का होगा, जो भी रेमबो बजिश होगा वो ब्लू सीरीज का होगा। ब्लू सीरीज में बहुत सारे कलर आते हैं, ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, पर्पल, वॉयलेट, इसमें भी दोस्तों डार्क भी आते हैं और लाइट कलर भी रहते हैं। ग्रे कलर होता है, ग्रे में भी डार्क होता है, लाइट होता है और मऊ ब्लैक भी होता है इसमें, उसमें भी डार्क और लाइट आपको देखने को मिल सकता है। तो ब्लू सीरीज का होगा रेमबो बजिश, चार पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, पहला पॉइंट है येलो हेडेड, दूसरा पॉइंट है ओपलाइन बजिश, तीसरा पॉइंट है क्लियर विंग और चौथा पॉइंट है ब्लू सीरीज में। आप अगर ओपलाइन बजिश और क्लियर विंग बजिश की पहचान करना आपको नहीं आता है तो इन दोनों के बारे में वीडियो चैनल पे मौजूद है, तो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अब दोस्तों आपको स्क्रीन पर आ रहा है नज़र रेमबो बजिश, आप इस बजिश को देख सकते हैं, जो मैंने चारों पॉइंट बताए हैं वो चारों ही पॉइंट इस रेमबो बजिश में आपको नज़र आएंगे। अभी मैं आपको इसको पकड़ के एक एक मार्किंग भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने रेमबो बजिश पकड़ लिया है, अब आप इसके नीचे का जो कलर है कलर मार्किंग को अच्छे से देख लें, इसकी दुम का कलर आपको इसके हेड जैसा ही नज़र आ रहा है, तो ये भी आपको रेमबो बजिश में देखने को मिलेगा। येलो हेडेड है, जो कि मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि था कि येलो हेडेड होना चाहिए, तो ये येलो हेडेड है देख सकते हैं आप। और इसके चेस्ट का जो कलर है वो है पर्पल, तो ये ब्लू सीरीज का बर्ड्स है। अब इसके मैं फेदर खोल के दिखाता हूँ, क्लियर विंग और ये ऑपलाइन बजिश है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ भी कलर आपको वॉयलेट नज़र आएगा। ये विंग देखिए आप, फ्लाई विंग, ये क्लियर विंग है, इसके ऊपर कोई भी मार्किंग नहीं है, कोई भी धारियाँ नहीं है, आपको इस पर भी दो तीन कलर नज़र आ रहे होंगे, हल्का ग्रेनेस भी है, पर्पल भी है, येलोनेस भी है। और इसके रंप का जो कलर आप देखिए, ये चेस्ट पे जो कलर होगा वहीं आपको देखने को मिलेगा और बैक साइड में गर्दन के नीचे भी आपको जो सीने पे कलर होगा वहीं आपको वहां पे देखने को मिलेगा। और ये ऑपलाइन बजिश है दोस्तों, देख सकते हैं आप, तो चारों ही पॉइंट आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको बताए थे, पहला पॉइंट येलो हेडेड तो ये येलो हेडेड है, क्लियर विंग ये क्लियर विंग है, ऑपलाइन ये ऑपलाइन है और ये ब्लू सीरीज बर्ड्स है। ब्लू सीरीज में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उन सभी कलर में आपको रेमबो बजिश देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मैंने वीडियो में अच्छे से आपको बताया है कि रेमबो बजिश की पहचान कैसे करते हैं और रेमबो बजिश कैसा होता है, और वो बजिश भी दिखाए हैं जिसे देखकर आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, धोखा आपके साथ हो सकता है, रेमबो बजिश बताकर आपको दे दिया जा सकता है दोस्तों। तो
कोई भी बर्ड्स लेने से पहले उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें, उसके बाद ही आप उन्हें परचेस करने जाएं, जिससे कि आपके साथ धोखा ना हो और सही बर्ड्स आप ले पाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।